तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा, तो खड़े हो करके ताली बजा करके हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए, हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारियां नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है, एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा, बताइए मानिएगा कि नहीं मानिएगा। तो खड़े हो करके ताली बजा करके हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए, जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए, हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल गया है, लेकिन जिन लोगों ने हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट दिया था उनको बेरोजगारी मिल रही है, बुलडोजर मिल रहा है, गरीबी मिल रही है। इसलिए हमें बड़ी खुशी है और शुभ अवसर पर हम सब लोग कोई अच्छे दिन हम सब लोग अपने पुरखों को याद करते हैं, तो घर जाकर के सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जननायक कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महान समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जी और बीपी मंडल जी को भी नमन कर धन्यवाद कहिएगा कि उनके विचारों और सिद्धांतों वाली सरकार ने, समाजवादी सरकार ने, धर्मनिरपेक्ष सरकार ने, न्याय प्रिय सरकार ने आप सबको इतनी अच्छी नौकरी देने का काम किया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।